जी हाँ दोस्तों, हमारे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जैसा कि मैंने बताया कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि फेविकॉन क्या है और इसको कैसे क्रिएट करते हैं। पहले तो हम आ गए डायरेक्ट उसके वेबसाइट पे जहाँ से हम फेविकॉन क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये होता क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरा पर्सनल ब्लॉग है जिसको आप फॉलो ज़रूर कर दें। इसमें मैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर और बहुत सारे न्यूज़ इसमें देता हूँ। तो आप ऐसे साइट में जाके अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में फॉलो कर सकते हैं, या यहाँ से आप अपने ईमेल से सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको नोटिफिकेशन आपके डायरेक्ट ईमेल पर सेंड हो जाएगी। चलिए दोस्तों, तो चलिए मैं आप बता रहा हूँ कि फेविकॉन होता क्या है। दोस्तों देख सकते हैं ऊपर वेबसाइट पे ये जो छोटा सा लोगो दिखता है, इसी को हम बोलते हैं फेविकॉन। और जैसा देख सकते हैं ये ब्लॉक का है, तो ब्लॉक का जो लगाया हुआ है इन्होंने लोगो, वो यहाँ पे दिखा रहा है। आप चाहें तो अपने, जैसे ये मेरा है तो मैं चाहूँ चेंज कर सकता हूँ। चलिए मैं आप बताता हूँ आप इसको क्रिएट कैसे करना है, उसके बाद मैं अगले वीडियो में बताऊँगा कि अपने ब्लॉक पर लगाएँ कैसे, आप मतलब इस लोगो को सेव कैसे करें। देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट खुला है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके साइट यहाँ पहुँच जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जैसे टेक्स्ट से करने में, PNG मतलब फ़ोटो से, या जो बहुत सारे यहाँ पे लोगो भी आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जनरेट फ्रॉम टेक्स्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको जो अच्छा लगे उस पर आप मतलब क्रिएट कर सकते हैं। चलिए मैं एग्जांपल पे मतलब टेस्ट क्रिएट करता हूँ, मुझे लगता है यही सही रहेगा ब्लॉग के लिए, मैं ब्लॉग के लिए यूज़ करने वाला हूँ। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों चेक कर लें कुछ वीडियोज़ की लिंक होंगी, हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसका देख सकते हैं यहाँ पे जनरेटर है फेविकॉन का, वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप जो भी आपको टेस्ट है, जैसे अपने वेबसाइट के लिए इसको ज़्यादातर वेबसाइट में यूज किया जाता है इस लोगों को, तो जो जिस टेक्स्ट मतलब जिस नाम से भी आप बनाना चाहें उसके आप लिख दें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप दो से तीन टेक्स्ट मतलब वर्ड लिखें, इससे ज़्यादा ना लिखें, नहीं तो जिसे देख लेंगे ऊपर का लोगो बहुत छोटा होता ही है तो दिखेगा नहीं, इसलिए दो तीन वर्ड लिखें। दोस्तों देख सकते हैं नीचे है, आपको एंड्रॉयड क्रोम के लिए मिल जाएगा और आईफोन के लिए मिल जाएगा, अलग अलग एक ही फाइल में आप डाउनलोड करेंगे तो सब में सब एक ही मिल जाएगा, एक ही फाइल में सारा आपको ये। चलिए दोस्तों यहाँ पर चलिए मैं अपने जो ब्लॉग है मतलब अपने यूट्यूब या मतलब अपने ब्लॉग का मैं लिख रहा हूँ अपना नाम AFU, चलिए मैं कैपिटल में लिख देता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं ऊपर जो लिख के आ रहा है ऐसा ही आपका जो एक लोगो बना रहे हैं वह दिखेगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं आप बैकग्राउंड में मतलब जैसे स्क्वायर में चाहिए या सर्किल में चाहिए, मैं अगर आप ब्लॉक के लिए यूज़ करना चाहें तो स्क्वायर में रहने दें क्योंकि वहाँ पे लिख के आता है कि स्क्वायर वाला यूज करें आप, फेविकॉन जो भी होता है आप वो सर्कल में भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं स्क्वायर पर क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों स्क्वायर पर क्लिक करने के बाद आप देखिए फॉन्ट फैमिली मतलब इस पर आप अपने जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। आप बहुत सारे कम से कम आपको 1000 से ऊपर या लगभग 1000, पता नहीं मैंने काउंट नहीं किया है, मिल जाएंगे। चलिए मैं किसी एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप जो सेलेक्ट करना हो कर लें जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पर देखिए मेरा पूरा जो AFU मैंने लिखा था वो पूरा दिख नहीं रहा था ऊपर, तो मैं उसको फॉन्ट को थोड़ा छोटा करता हूँ, साइज 50 कर देता हूँ, जिसमें देख सकते हैं पूरा मेरा दिख रहा है AFU जो मैंने लिखा है अपने ब्लॉग का लोगो जिसका मैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने वो सारा सेटिंग करके मतलब बैकग्राउंड कलर या फॉन्ट कलर सब साइज वाइज सब चेक करके, वहाँ पे ऑप्शन आएगा सेव या डाउनलोड का, मैं आपको यहाँ पे अभी स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ, ऐसा ऑप्शन आएगा, आप वहाँ चाहे तो सेव कर सकते हैं, लेकिन मैं
आपको सजेशन दूंगा कि आप डाउनलोड डायरेक्ट करें। तो आप वहाँ डायरेक्ट डाउनलोड कर लें। फिर डाउनलोड करने के बाद आपको नीचे जहाँ आप सेव करेंगे डेस्कटॉप पे, मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया है, तो एक फाइल आपको दिखेगा ओपन होके, जिसका नाम लिखा रहेगा फेविकॉन के फाइल में। तो मैंने जैसा बताया था, इसमें अलग अलग एंड्रॉयड क्रोम के लिए या वेबसाइट के लिए या आईफोन के लिए अलग अलग यहाँ पे एक ही फाइल में आपको ये जनरेट करके दे देता है जो आप लोग यूज करने जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एंड्रॉयड क्रोम के लिए या वेबसाइट या फेविकॉन 30, जैसे आप सबके लिए यूज करना चाहते हैं तो फेविकॉन जो नीचे देख सकते हैं शायद हाँ छठवें नंबर पे है, उसके यूज करें 32x32 उसका यूज करें, जिससे आपको सब पे दिखाएगा, एंड्रॉयड पे भी और जो भी आप वेबसाइट जैसे या कंप्यूटर में लैपटॉप में ओपन करते हो। तो आप इसको सेलेक्ट कर लें। चलिए दोस्तों, आगे की जो अगली वीडियो में बताऊंगा उसमें अगर आप ब्लॉग पे सेट करना चाहते हैं अपने वेबसाइट पे तो कैसे सेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो नीचे ज़रूर कमेंट करें, मैं ज़रूर उस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि अपने ब्लॉग ही जैसे ब्लॉग पे या वेबसाइट पे फेविकॉन का कैसे सेट करें। चलिए इस वीडियो में इतना ही। हैव अ नाइस डे।